हेलो बीजीएमआई एंड पबजी लवर्स। एक समय था जब मेरा भी बहुत ज्यादा दिल करता था कि मैं पबजी और बीजीएमआई को अपने पीसी में खेलूं। बिल्कुल चिंता मत करना, आपके जैसे ही मेरा भी लोनलेस पूरा का पूरा लोनलेस लैपटॉप है मेरा भी, तो मैं आपको भी बताऊंगा जैसे मैंने यूज किया बीजीएमआई। और हाँ, मेरे गेम प्ले पर ध्यान मत देना क्योंकि मैं एक बीजीएमआई का नुबड़ा प्लेयर हूं। आज के वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा कि आपको कैसे आप बीजीएमआई या फिर मैं कहूं कि आप पबजी मोबाइल कैसे खेल सकते हैं आपके पीसी में, और वो भी लोनलेस। जो भी हमारे वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग से वीडियो और भी आपके लिए आते रहेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे को कोई भी ज्यादा लेग देखने को नहीं मिल रहा है। मैं इसकी सेटिंग भी आपको बताऊंगा क्या कुछ सेटिंग रखी हुई है मैंने। और हाँ, अगर आप सच में भी खेलना चाहते हो तो मैं सबसे पहले आपको यह बता दूं कि आपको यहाँ पर पबजी मोबाइल देखने को मिलेगा, बीजीएमआई देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि शायद बीजीएमआई में अगर हम इमुलेटर लॉगिन कर लेते तो बैन हो जाते हैं। मेरी एक आईडी 10 साल के लिए बैन हो गई, मेरी मेन आईडी। लेकिन जो मैं चीज आपको बताने वाला हूँ इससे आपका आईडी भी बैन नहीं होगा, बिल्कुल आप आराम से खेल सकते हो, इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको चले जाना आपके क्रोम ब्राउजर पर, और यहाँ पर आपको लिखना है गेम लूप। हाँ देखो, मैंने गेम लूप लिखा जैसे ही मेरा इसमें आ गया। और आपको मैं बताऊंगा, आपको इसको ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है गेम लूप की, आपको कहीं और से डाउनलोड नहीं करना है। जो नीचे आपको और भी वेबसाइट दे रखती है इनसे आपको डाउनलोड नहीं करना है। जो गेम लूप इमुलेटर है उसको आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर गेम लूप का एक डाउनलोड देखने को मिलेगा, तो इस पर आपको क्लिक नहीं करना है। आपको ऊपर वाले जो डाउनलोड वाला बटन होगा उस पर आपको क्लिक करना है। जो गेम लूप इमुलेटर है ये टेंसेंट का खुद का इमुलेटर है, और इसमें आप कॉल ऑफ ड्यूटी, पबजी मोबाइल और जो हमारा फ्री फायर रहता है इनको एंटी बैन खेल सकते हैं। इसमें कोई भी बैन देखने को नहीं मिलता है। कॉल ऑफ ड्यूटी और पबजी मोबाइल बैन हो जाता है अगर हम किसी और इमुलेटर में खेलते हैं तो। लेकिन जो गेम लूप इमुलेटर है ये टेंसेंट कंपनी, जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी और पबजी मोबाइल की भी कंपनी, उन्हीं का ऑफिशियल वर्जन है। आप वहां से ऊपर से डाउनलोड करोगे तो सिर्फ आपको एक 3 MB का इंस्टॉलर डाउनलोड होगा। तो इस 3 MB के इंस्टॉलर पर आपको क्लिक करके आपको पता होना चाहिए आप पीसी प्लेयर हो तो आपको कैसे करना है। वहां से आपको एक 800-900 MB का या फिर मैं कहूं 500 से लेकर तो 800 MB के बीच में आपको एक इमुलेटर डाउनलोड होगा, और वो डाउनलोड होने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से आपका इंटरफेस आ जाएगा। देखो, अब मैं तो बता नहीं सकता भाई, बहुत ज्यादा एमबी का रहता है, मेरे पास लिमिटेड डाटा आता है। और यहां पर आप जब भी इनके सबके नीचे देखोगे तो गेम लूप जैसा आइकॉन बना रहेगा, तो इसका मतलब ऑप्टिमाइज्ड बाय गेम लूप। इसका मतलब है कि इन गेम को खेलने के लिए जो हमारा ये बना हुआ है, जो गेम लूप इमुलेटर बना है, वो खास करके इन्हीं ऐप जैसे के लिए बना हुआ है। तो इन जिसमें भी नीचे गेम लूप लिखा होगा उसके लिए आपका बेस्ट रहेगा, और जो बाकी चीज रहेगी वो आपके गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड होगी अगर गेम लूप वो नहीं दिखा रहा है तो। और आप यहाँ पर आपको पबजी मोबाइल देखने को मिलेगा, बीजीएमआई आपको ट्राई नहीं करना है। देखो, बीजीएमआई में आईडी बैन हो जाती है, आपको पबजी मोबाइल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर मेरा ओपन लिखा रहा है, ठीक है, इस ओपन वाली जगह पर आपका इंस्टॉल देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इंस्टॉल देखने को मिलेगा तो इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। वहाँ से आपका 2.7 GB का पबजी मोबाइल डाउनलोड होगा, ठीक है, याद रखो 2.7 GB का ये, और कुछ 500 से लेकर 800 MB तक आपको गेम लूप इमुलेटर डाउनलोड होगा। इंटरनेट तो आपको भरपूर चाहिए होगा तभी आपका काम बनेगा, कम इंटरनेट में आपका काम नहीं बनेगा। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे है, तो मैं आपको कुछ मेरी सेटिंग भी दिखा देता हूँ क्या क्या सेटिंग है। लेकिन उससे पहले मैं जैसे ही पबजी प्ले वाले पर क्लिक करता हूँ, यानी पबजी मोबाइल पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे एंटी चीटिंग सिस्टम इज इनफोर्स, यानी ये हमारा आ जाता है। इसका मतलब होता है कि अगर आप थर्ड पार्टी कुछ एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं तो उसको ब्लॉक कर देता है पबजी पीसी में खेलने के लिए। तो यहाँ पर मैंने तो कोई चीज थर्ड पार्टी लगा नहीं रखी थी, इसलिए मेरा गेम ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पर सेटिंग में आपको बताऊँ, देखो यहाँ पर मैं सेटिंग में जाऊँगा, जो ऑटोमेटिकली गेम लूप वाला दी है ना उसी में सेटिंग पर रन कर रहा हूँ, मैंने एक भी सेटिंग को छेड़छानी नहीं किया है। और जो आप ये देख रहे हैं ना, ये इमुलेटर है, ठीक है, जैसा हमारा ब्लूस्टेक्स 5 इमुलेटर था ना, उस प्रकार का एक इमुलेटर होता है गेम लूप के अंदर। अब इसके अंदर भी आपको सेटिंग देखने को मिलती है, तो अपडेट, वॉल्यूम, क्लियर, कैच, रिपेयर, एचडी और फीडबैक और सेटिंग देखने को मिलती है यहाँ पर, ये ऑप्शन। अब यहाँ पर देखो, जो चीज ऑटोमेटिकली आई थी, जो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, पहले मेरे को गेम लूप वाला दी है उसी पे मैंने बीजीएमआई का गेम प्ले किया, बहुत ही अच्छा स्मूथ चला है, मैंने ज्यादा छेड़छानी नहीं करी। और मुझको पता भी नहीं है बीजीएमआई की सेटिंग के बारे में क्योंकि मैं बीजीएमआई खेलता नहीं हूँ इतना, बार बार मुझसे बीजीएमआई निकल रहा है। लेकिन ये पबजी मोबाइल है क्योंकि यार बहुत दिन हो गए पबजी गए, तो इसलिए बीजीएमआई निकल रहा है। तो आप अगर पबजी मोबाइल है तो आपको पबजी मोबाइल को डाउनलोड कर लेना। ये एक भी सेटिंग मैंने ग्राफिक्स आप मेरी सब चीज देख सकते हो, ये सेम टू सेम है। इसमें एक रिजोल्यूशन दे रखा है, अगर मैं इसको कम कर लेता हूँ तो और भी ज्यादा मेरा गेम प्ले मक्खन जैसा चलेगा। लेकिन हाँ, अब तक तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। मैं मेरा प्रोसेसर बताऊँ तो मेरा i5 8th generation और 8 GB रैम मेरे प्रोसेसर की है, इससे ज्यादा मेरी रैम वैम नहीं है। तो आप भी अगर ऐसा प्रोसेसर हो, आपका i3 11th generation भी हो तो भी उसमें भी चल जाएगा। और ग्राफिक्स कार्ड की बात करूँ मैं तो मेरे इसमें ग्राफिक्स कार्ड कुछ भी नहीं है, एक सिर्फ नाम के लिए ग्राफिक्स कार्ड दे दिया इन्होंने जिसका नाम है इंटेल 620 ग्राफिक्स, बाकी कुछ भी काम का नहीं है। अब यहाँ पे कस्टमाइज में ASUS ROG जो भी ये सब चीज़ नॉर्मल है। अब यहाँ पर इस वाली सेटिंग की बात करूँ तो HD में 720p डिफॉल्ट डेफिनेशन है जो कि इन्होंने दी है, मेरे को वही करा है। 720p में मैंने कुछ चेंज नहीं किया। अब इसमें यहाँ पे लिखा रहा है कि आपके पास अगर इससे ऊपर ग्राफिक्स हो तो आप वो वाली सेटिंग ट्राई करो, लेकिन मेरे पास ग्राफिक के नाम पर सिर्फ कुछ भी नहीं है, मतलब क्या ही बोलूँ। अब मैं मेरे पास कोई भी एक्सटर्नल भी ग्राफिक्स कार्ड नहीं है क्योंकि मेरा लैपटॉप है। उसके बाद जो ग्राफिक क्वालिटी है इसमें को मैंने ऑटोमेटिक रखा है, FPS को भी मैंने डिफॉल्ट पर कर रखा है। और इसके बाद जो हमारी लास्ट वाली सेटिंग अकाउंट, इसमें कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पर जो हमारे इमुलेटर रहता है इसके ऊपर, यहाँ पे ऊपर एक की मैपिंग का ऑप्शन दे रखा होता है इन्होंने, और साइड में फुल स्क्रीन दे रखा होता है। यहाँ पे टूल बॉक्स दे रखा है, टूल बॉक्स के अंदर यहाँ पे की मैपिंग और फुल स्क्रीन और रोटेट ये सब कुछ दे रखा हुआ है। अब ये टाइम आता है हमारे पबजी मोबाइल को ओपन करने का, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पबजी मोबाइल ओपन कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं साइड में आपको की मैपिंग भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरी की मैपिंग होती है ये भी मेरी जो डिफॉल्ट
डिफॉल्ट आती है जो ऑलरेडी इन्होंने प्री सिलेक्टेड आती है वही की मैपिंग है। मैंने की मैपिंग में भी कुछ चेंजेस नहीं किया है और इतनी ज्यादा की मैपिंग देखे घबरा मत जाना। ऊपर एक नॉर्मल 720p का ऑप्शन है, आप उसको कर लोगे तो उससे आपका कम हो जाएगा, लेकिन मैं रिकमेंडेड करता हूँ स्मार्ट 720p पर ही आपको खेलना है। और बिल्कुल भी घबराना मत, इतनी सारी बटन आपको काम नहीं आएगी जब आप गेम करोगे तब। और जो हमारा बैकग्राउंड में गेम ओपन हो रहा था तो हमारा गेम फाइनली ओपन हो चुका है बैकग्राउंड में। और आजकल जितने भी पीसी और मोबाइल के दोनों के कॉम्बिनेशन गेम है उन चीज में ये इमुलेटर डिटेक्टेड वाली चीज कर दी है। इससे क्या होता है कि अगर आप पीसी में खेल रहे हो तो आपके सामने वाले प्लेयर जो एनिमी आएंगे वो भी पीसी प्लेयर ही आएंगे। ऐसा पहले फ्री फायर में होता था लेकिन अब पबजी मोबाइल में भी कर दिया है। अब मैं इसकी बची कुछ गेम के अंदर की सेटिंग की बात करूँ तो यहाँ पर देखो मैंने सिलेक्ट सर्वर करके रखा हुआ है, ये रखा हुआ है मैंने ये वाला मतलब जो भी मिडिल ईस्ट वाला है, लेकिन आप इसको आपके अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो। अगर आपका लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप लास्ट तक मेरे वीडियो को देखो, मैं लास्ट तक आपको बताऊंगा कि क्या करना है आपको लॉगिन के लिए। अगर मैं इसकी सेटिंग की बात करूं तो जो मेरा लो एंडलेस पीसी है इसमें भी आपको अच्छी खासी सेटिंग देखने को मिल जाती है। अगर मैं इसकी ग्राफिक्स की बात करूं तो स्मूथ में मेरा एक्सट्रीम प्लस मिल जाता है। आप मेरे को नहीं पता एक्सट्रीम प्लस मतलब 90 FPS होता है 120 FPS होता है ये मेरे को नहीं पता है, लेकिन हाँ जो BGMI खेलते हैं उनको पता होगा। ठीक है, अभी बैलेंस्ड के बाद एक्सट्रीम बैलेंस पर एक्सट्रीम मिलता है और HD पर मेरे को यहाँ पर HD पे भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता होगा। तो यहाँ पर HD पे मैं अप्लाई करता हूँ तो मेरे को देखने को मिलता है HD पर भी एक्सट्रीम देखने को मिलता है, और शायद HDR और अल्ट्रा HDR और HDR हमारी डिवाइस के लिए अभी तक अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो ये सेटिंग भी है ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक वाली सेटिंग है। अब हमारे PUBG मोबाइल के अंदर भी एक कस्टम HUD आता है तो इसको आपको बिल्कुल भी छेड़छाड़ी नहीं करना है। जितनी भी बटन आपको दिख रही है सबकी सब इन गेम में आप जब गेम के अंदर जाओगे तब सारी की सारी ये हाइड हो जाएगी, आपको एक भी बटन नहीं दिखेगी, आपको इसका चिंता लेना ही नहीं है। और इनको आपको चेंजेस भी नहीं करना है, कुछ भी चेंज आपको इनमें नहीं करना है। अगर आप एक वाली गन को इधर से उधर कर देते हो तो उसमें आपको नहीं करना है। सेंसिटिविटी आपको लो या कस्टमाइजेशन रख लेनी है वो आपके हिसाब से रखनी है आपको। अब यहाँ पर मैंने कोई अभी VPN कनेक्ट नहीं करके रखा हुआ है क्योंकि मैंने एक बार इसको गेस्ट ID से लॉगिन कर लिया था, इस वजह से मेरे को VPN लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप जब पहली बार आप गेम लूप इमुलेटर में आपका BGMI PUBG मोबाइल डाउनलोड करो आप तो जहां पर आप लॉगिन करते हो गेस्ट ID से आपको लॉगिन करना है तो वहां पर आपको क्या करना है कि आपको VPN लगा लेना है, और VPN आपको आपके इमुलेटर के अंदर नहीं लगाना है, आपको ये VPN लगाना है आपके PC के अंदर। अगर आप Wi-Fi यूज करते हो तो भी आपको PC के अंदर लग जाएगा VPN। आप एक बार अपना एंटीवायरस चेक करना क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अपने एंटीवायरस के अंदर भी VPN आता है, तो उस VPN को भी हम यूज कर सकते हैं। और अगर नहीं आया तो आपको कोई सा भी आपके PC में इंस्टॉल कर लेना है। याद रखो आपके PC में, मैं बोल रहा हूँ आपके PC में आपको कोई सा भी वो इंस्टॉल कर लेना है VPN, उसको लगाकर सिर्फ आपको एक बार लॉगिन कर लेना है। एक बार आप लॉगिन कराकर आपको 2-4 गेम खेल लेना, फिर उसके बाद अगर आप VPN हटा दोगे तो अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने एक ही बार जब इसको फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था तब मेरे को VPN लगाना पड़ा था, उसके बाद से अब तक मैंने VPN नहीं लगाया। मेरा गेम डायरेक्ट में चालू करता हूं और ऑन हो जाता है, और इसमें ऐसा भी नहीं कि मेरा MS या मेरा पिंग खराब आता है, मेरा पिंग भी बहुत ही सही चलता है। और आपको कुछ भी चीज़ को देख के घबराना नहीं है, हो जाएगा। देखो अगर ये ज़्यादा MB का साइज MB का तो आप 2-4 दिन के इंटरनेट से भी कर सकते हो इसको कलेक्ट करके। आजकल तो वैसे भी 5G अनलिमिटेड चल रहा है तो 5G अनलिमिटेड भी यूज़ करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा गेम होता है। और हाँ, PC के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आती, जो हमने गेम लूप में मैंने बताया जो इसकी की मैपिंग है उसमें भी आपको कुछ दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। कार वगैरह आप सब कुछ आसानी से चला पाओगे, और जितना टाइम आप गेम में स्पेंड करोगे तो आपको सब चीज़ का अनुभव होता जाएगा, आपकी की मैपिंग का भी अनुभव हो जाता जाएगा। मैंने भी ये गेम पहली बार में PC में खेल रहा था, बाकी मैं PUBG का नहीं सॉरी मैं बाकी फ्री फायर का PC प्लेयर हूँ, तो मेरे को पता है सब सेटिंग मेरे को कैसे खेलना आता है वो सब पता है। अब इसमें भी आपको दे रखा है जैसे आप V प्रेस करोगे तो FPP से TPP में आ जाओगे, 0 से आपका मेडिकेट वगैरह ले आएगा, 1-2 से आप गन चेंज कर सकते हो, 5-6 से आप ग्रेनेड और स्मोक ग्रेनेड वो सब चीज़ को फेंक सकते हो। और भी आप सब लोग चीज़ आराम से सीख जाओगे, आप जैसे जैसे खेलते जाओगे जैसे जैसे आप सीखते जाओगे तब तब आपको पता चलता जाएगा कैसे कुछ करना है। फिलहाल आज के BGMI और PUBG का वीडियो में एक जैसा ही था जो कि दोनों एक ही चीज़ है। तो मैं आपको बता दूं अगर आप BGMI एक बार ट्राई करना चाहते हो तो उसको भी आप गेस्ट ID में ट्राई कर सकते हो BGMI को, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा कि आप जो PUBG मोबाइल दे रखा है वही आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लो, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में दिक्कत आ सकती है, आपको ऐसा लगेगा कि इससे अच्छा तो मैं मोबाइल में ही खेलता हूं, तो हाँ आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन आप थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपको मजा आने लगेगा PC में खेलने में। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो हमारा अलग अलग टॉपिक पर भी हो सकता है, इसलिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। बस फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।